अब हम सीखेंगे कि हम थ्री एक्सप्रेशन को किस तरह ऐड करेंगे। इनको भी सबसे पहले इन प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नोमिनेटर के साथ ऐड करेंगे। 3 2 6 + 1 7 7 आ जाएगा। डिनोमिनेटर भी वही एक्सप्रेशन का ले देंगे 2। फिर दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे। इनको भी उसी तरह हल करेंगे। डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नोमिनेटर के साथ ऐड करेंगे। 5 2 10 + 4 14 और डिनोमिनेटर भी वही एक्सप्रेशन का लिख देंगे 5। फिर दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे। इनको भी उसी तरह हल करेंगे। डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नोमिनेटर के साथ ऐड करेंगे। 10 1 10 + 1 11 और डिनोमिनेटर भी वही एक्सप्रेशन का लिख देंगे 11। अब 2, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 10 पर टेबल लग सकता है। 2 और 10 से 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 1 2, 5 को सेम लिख देंगे। 2 5 10। अब हम 5 कॉमन लेंगे। हाँ, 1 को सेम रखेंगे। 5 1 5 5 1 5। हाँ, अब हम इन दोनों कॉमन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा। 2 5 10। 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 10 आ जाए, तो 2 को 5 से। नीचे जो अमल करेंगे ऊपर भी वही अमल करेंगे, तो ऊपर भी 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमें प्लस का साइन लगा देंगे। तो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 10 आ जाए, तो 5 को 2 से। नीचे जो अमल करेंगे ऊपर भी वही अमल करेंगे। 14 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे। 10 को कौन से नंबर से, तो 10 को 1 से। नीचे जो अमल करेंगे ऊपर भी वही अमल करेंगे। 11 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 = 35। 2 5 = 10। दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। 42 = 28 और 2 5 = 10। फिर दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। 11 1 = 11, 10 1 = 10। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। नामिनेटर जितने हैं उन सब को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो उनमें से एक ले लेंगे। हाँ, अब इन तीनों को ऐड करें। 5 + 8 = 13 + 1 = 14 आ जाएगा। वो नीचे देख देंगे और 1 को कैरी ले लेंगे। 1 + 3 = 4 + 2 = 6 + 1 = 7। 7 आता है तो ये 74 आ जाएगा। 74 over 10। हाँ, तो इन दोनों पर 2 का टेबल लगाएंगे क्योंकि दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। 37 2 = 74 2 5 = 10। 37 over 5, ये दोनों इंप्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 37 को 5 पर डिवाइड करेंगे। 5 7 = हमारे पास 35, क्योंकि 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पूछ जाता है 37 से ज़्यादा है। 7 से 5 माइनस करता है 2 होता है। 3 से 3 तो 0। ऊपर क्वेश्चन में 7 लिख देंगे। क्वेश्चन को होल में रखेंगे, रिमाइंडर को नोमिनेटर में और डिवाइजर को डिनोमिनेटर में। 3 एक्सप्रेशन को हम इसी तरह हल करेंगे।